मैं कुछ साल पहले ही कुलधरा विलेज गया था, एंड मुझे ऑनेस्टली वहां पे मतलब जिस तरह से उसको फेमस किया गया कि बोल के कि इट्स अ हॉन्टेड विलेज, बट मुझे ऐसा एज सच वहां पे हॉन्टेड कुछ लगा नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट अ विलेज जहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स थे वो गिर चुके हैं अब, एंड इट्स अ अबैंडन्ड विलेज. तो शायद वो टूरिज्म के लिए किया गया था बाय द लोकल्स और समथिंग, तो आई डोंट नहीं, नो. वो ब्लॉगर्स ने फेमस कर दिया था. ओके. और आई टेल यू व्हाट, आई टेल यू अ स्टोरी. आई वाज सिटिंग इन रेड फोर्ट. आई डू सम वर्क विद एएसआई आल्सो, एंड देयर वाज वन एएसआई ऑफिसर हु वाज टॉकिंग टू मी, एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग. कैजुअल चैट चल रही थी चाय पे शाम को. वो उस समय लाल किले में पोस्टेड थे, और हमने अपना पूरा फोटोशूट खत्म किया, बैठ के चाय पी रहे हैं, और ऐसी बात निकल आई भानगढ़ की. भानगढ़ has been voted as like one of the most haunted places in राइट. India. मैंने बात छेड़ ली, मैंने कहा सर बताओ क्या किस्सा है. कह रहे हैं मैं तुम्हें भानगढ़ के भूत के बारे में बताता हूँ. जी बताओ. कह रहे आज से काफी साल पहले मुझे भानगढ़ का इंचार्ज बनाया गया था, और ये तब की बात है जब भानगढ़ का दूर दूर तक कुछ नहीं होता था वहां, और होटल नहीं, कोई खाने की वो नहीं है, कहीं कुछ नहीं, ना पानी का कोई सोर्स है. तो हम अपना सारा बोरिया बिस्तर ले जाकर वहीं अंदर ही भानगढ़ के किले में बैठ गए और उसकी रिस्टोरेशन शुरू कर दी. जब रिस्टोरेशन जब नई नई शुरू हुई थी तब की बात है. काम शुरू हुआ, कुछ महीने गुजरे, और हम अक्सर वहीं अंदर ही सो जाया करते थे, और बहुत रेयरली होता था, मतलब कुछ कुछ दिनों के बाद फिर हम सिटी तक आते थे, अदरवाइज रेगुलर आना जाना. तो हम उस समय शहर दूर था, छोटा सा था, अब तो फैल गया शहर भी. एंड देन वन डे व्हाट हैपेंड, वी सॉ कि वहां पर एक होटल खुल गया शहर के पास, शहर और किले के बीच में कहीं. चलो हमने कहा भाई यहाँ कौन आएगा होटल वोटल. बट देन थोड़े टाइम के बाद एक और होटल खुल गया, एंड ही सेड वी वर वेरी सरप्राइज्ड कि ये हुआ क्या है, ये होटल खोल तो लिया इन्होंने, ये चलाएंगे कैसे, इनके मतलब यहाँ तो कोई आता ही नहीं है. फिर कहते हमने क्या देखा, एक दिन क्या हुआ, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई दोनों होटलों ने मिलकर, पूरा मीडिया वाले बुलाए, फैम ट्रिप कराया, इन सबको होटल के अंदर रखा, खाना वाना खिलाया. सुबह दोपहर को ये लोग पहुंचे, दोपहर को अच्छा लंच किया, गाना बजाना प्रोग्राम किया, वो सब किया. और जैसे ही सूरज छिपने वाला था, फटाफट होटल के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, भाग भाग के कमरों में जा जाके. तो उन्होंने जाहिर है पूछा क्या, कह रहे अरे तुम्हें नहीं पता भानगढ़ तो बहुत खतरनाक किला है, यहाँ तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते सूरज छिपने के बाद. एंड देन फॉर दे सेड फॉर रेस्ट ऑफ द इवनिंग एंड प्रोबेबली पोस्ट डिनर They continued stories where their staff came and said, अरे हाँ मेरे साथ भी हो चुका है, ऐसे दरवाजे पे खटखट होनी शुरू हो जाती है, ये हो जाता है, हम उस तरफ जा नहीं सकते. Full on story. वहाँ एक पेड़ है, उसके नीचे भूत रहता है. वो पूरी कहानियां सुनाई. अगले दिन जब सुबह हुई, सूरज निकला, तब इन लोगों को वहां लेकर आ गए. अब किला तो अभी टूटा फूटा ही था, तो इनके माइंड में ये पूरा भरा हुआ था कि यहाँ कुछ है. एंड व्हेन दे वर रोमिंग अराउंड, हाँ ये तो वैसे ही कुछ लग रहा है, वैसे ही कुछ लग रहा है. They were just thinking that. अगले दिन सारे अखबारों में वो छपा, और तब से टूरिज्म शुरू हो गया वहां. और वो जिस पेड़ पर कहा जाता है, आज भी कई लोग आके ये जो पेड़ है इस पर वो सारे भूत रहते हैं, कह रहे उस पेड़ के नीचे मैं सोया करता था, मैं हूँ भानगढ़ का भूत. दैट एएसए ऑफिसर टोल्ड मी. ओह वाओ. और वो दोनों मतलब होटल चल पड़े, और कई होटल खुल गए वहां. वाओ, मतलब दिस इज जस्ट अ रूमर, मतलब एंड इट्स लाइक जो सिर्फ इंडियन ब्लॉग्स ही नहीं, इनफैक्ट लाइक जितने आउट ऑफ इंडिया के ब्लॉग्स हैं, बहुत अच्छे खासे ब्लॉग्स, उन्होंने भी भानगढ़ को एज अ लाइक यू नो हॉन्टेड मेंशन किया है. तो वाओ, दिस इज क्लिकबेट, कुछ भी ऐसा कि आप डाल के शिकार खींचो बस.